नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि यूजन को पता चल जाता है कि मिस्टर चेयरमैन अंधे हो गए हैं और वो डोयुंग का पीछा करते करते मिस्टर चेयरमैन तक पहुँच जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत एक ब्लैक शूज वाले से होती है जो सूट बूट पहनकर जो कंपनी में आता है। अंदर बोर्ड मीटिंग में वोटिंग चल रही होती है कि सभी कुकिंग, क्लीनिंग और पार्किंग में काम करने वाले कर्मचारियों का पुनर्गठन किया जाए या नहीं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे भोलू राम की, जो अब स्मार्ट हो चुका है। जी हाँ, तो वो सूट बूट वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना भोलू राम ही था। सीधा आकर ये बोलता है कि मैं इस पुनर्गठन के खिलाफ हूँ। ये सुनकर सभी में क्यूरियोसिटी की लहर दौड़ जाती है। ये कौन बंदा आ गया जो इतनी कॉन्फिडेंटली सबके सामने इस पुनर्गठन और बुआ जी का विरोध कर रहा है। Who is he? बुआ जी बोलती है, मीटिंग में इस तरह से विघ्न डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यूजन बोलता है, मिस्टर चेयरमैन कभी भी ऐसे शर्मनाक काम के लिए मंजूरी नहीं देंगे जिसमें उनके एम्प्लॉइज को जबरदस्ती निकाला जाए, वो भी सिर्फ लागत में कटौती करने के लिए। बुआ बोलती है, चेयरमैन का बेटा होना तुम्हें ये हक नहीं दिलाता कि तुम मीटिंग में बाधा डालो। फिर गार्ड्स को बोलती है कि इसे यहां से बाहर लेकर जाओ। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुलता है और मिस्टर किम हमारे प्रो स्वैगर मिस्टर चेयरमैन को लेकर एंटर करते हैं। मिस्टर चेयरमैन बोलते हैं, ये बोर्ड मीटिंग यहीं पर खत्म होती है, आप सब लोग जा सकते हैं। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और ये कपटी बुआ खखवानी बिल्ली की तरह खंबा तो नहीं लेकिन टेबल नोचती रह जाती है। उसके बाद कहानी सीधा उसी मोमेंट पर आती है जब अपना भोलू राम डोयुन का पीछा करते करते फार्म हाउस पहुंच गया था। अंदर डोयुन मिस्टर चेयरमैन को एक डॉक्यूमेंट पेपर पकड़ाकर झूठ बोलता है कि ये कंज्यूमर कंपनसेशन प्लान का प्रपोजल प्लान है, आगे की कार्यवाही के लिए आपकी मंजूरी की जरूरत है। मिस्टर चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है, पहले मैं इसके सारी डिटेल्स मिस्टर किम से पूछ लेता हूं, फिर साइन कर दूंगा, तुम ऑफिस जाओ। अरे ये अपने चेयरमैन है, इनको बेवकूफ बनाना इतना आसान थोड़ी है। इतनी बड़ी कंपनी का डायरेक्टर होना कोई हलवा है क्या। बट वेट, एक मिनट, मिस्टर किम तो बुआ जी से मिले हुए हैं ना। मिस्टर किम बुआ जी के पास आते हैं। बुआ जी उसे पूछती है कि जो ऑफर मैंने आपको दिया था उसके बारे में आपने क्या सोचा। मिस्टर किम बोलते हैं, मैं आपके साथ हूँ। बुआ जी बोलती है कि जो लोग चेयरमैन के लिए उनके आंख और कानों की तरह थे वो सब लोग अब मेरे साथ हैं। शिट यार, अब क्या। डोयन मिस्टर किम को इशारा करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चेयरमैन मिस्टर किम से पेपर्स के बारे में पूछते हैं। मिस्टर किम वो पेपर्स पढ़ के बताते हैं कि ये शेयर ट्रांसफर के पेपर हैं। अगर आप ये पेपर साइन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने सारे शेयर्स डायरेक्टर यांग यानी कि उस कपटी बुआ जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, मिस्टर किम ने बुआ जी से हाथ मिलाने का नाटक किया था। वाह मिस्टर किम, मौज कर दी। उनकी बातें सुनकर मिस्टर चेयरमैन आहें भरकर बोलते हैं, बेचारा डोयुन भी क्या करे, अब वो अपनी माँ से ही तो दुश्मनी नहीं कर सकता ना। अपना भोलू राम फार्म हाउस के बाहर ही छुपकर बैठा उन दोनों के जाने का इंतजार कर रहा था। उन दोनों के जाने के बाद वो मिस्टर चेयरमैन के पास आता है। ऑल्दो वो बहुत उदास था पर खुद को शांत करते हुए फुल एनर्जी के साथ मिस्टर चेयरमैन से नोक झोंक वाले टोन में बोलता है, ये क्या हो रहा है, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तेरी, आप तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे ना, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ मुझे पता था, आप जानबूझकर मेरे कॉस्ट नहीं रिसीव कर रहे थे, आराम करने की इतनी क्या समय चढ़ गई थी। मिस्टर चेयरमैन बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नहीं पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर हूँ। यूजन बात को घुमाते हुए बोलता है, मैं अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता। आप सभी एम्प्लॉइज का पुनर्गठन क्यों कर रहे हो, इसीलिए ताकि मैं आपको पैसे न लौटा सकूं। मिस्टर चेयरमैन भी लाइक, पुनर्गठन ये क्या बकवास है। यूजन बोलता है, जब से आप छुट्टी पर गए हैं तब से कंपनी में अजीब अजीब सी चीजें हो रही है, आप मुझे ऐसे नौकरी से नहीं निकाल सकते, समझे ना। मिस्टर चेयरमैन भी लाइक, ए बेटा पागल हो गया है, काहे का पुनर्गठन है। यूजन बोलता है, ये लोग आप पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, ऑफिशियली आप वहाँ ज्यादा अच्छे लगते हैं। एंड नाउ वो फिर से इमोशनल होने लगता है। मिस्टर चेयरमैन भारी मन से अपना चश्मा हटाकर भारी से इमोशनल आवाज में उसे अपने अंधेपन की बात बताने लगते हैं। यूजन उनकी बात काटते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ, तो क्या हुआ अगर आप नहीं देख पा रहे,
आपके साथ मैं हूँ, यही सही समय अपने तंदुरुस्त बेटे का इस्तेमाल करने का, मेरा इस्तेमाल करने का, अपने यूयून का इस्तेमाल करने का। उसके बाद वो मिस्टर चेयरमैन का हाथ पकड़ लेता है और अब फाइनली मिस्टर चेयरमैन को वो हाथ मिल गया है जिसे वो इतने दिनों से थामने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां मिस्टर चेयरमैन बुआ जी से पुनर्गठन को लेकर सवाल करने लगते हैं। ये कपटी बुआ उल्टा मिस्टर चेयरमैन को ही सुनाने लगती है। उनकी सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर चेयरमैन बोलते हैं, पहली बार मैं खुश हूं कि मैं अंधा हो गया, कम से कम अब मुझे ये तो नहीं देखना पड़ेगा ना कि तुम किस तरह से एक राक्षस में बदल गई हो। उसके बाद कपटी बुआ अपने कैबिन में आकर चीजें फेंकते हुए गुस्साने लगती है कि ये कैसे हो गया, यूयून और भैया को कैसे पता चल गया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। जब डोयून उन्हें शांत करने की कोशिश करता है तो उल्टा वो उसे ही ब्लेम करने लगती है कि तुमने ये कैसे होने दिया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इस पर डोयून बोलता है, अच्छा ही हुआ, अब कम से कम दोनों साइड्स कंपनी के लिए ईमानदारी से लड़ पाएंगी, अब कोई षड्यंत्र नहीं होगा। उधर जीएम अपना चेकअप करवाने के लिए गई होती है। डॉक्टर पूछती है, इन दिनों आप स्ट्रेस में हो क्या? स्ट्रेस की वजह से आपका फिटनेस बढ़ नहीं पा रहा है, एवरेज से बहुत छोटा है, इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप कम से कम स्ट्रेस लें। इवन मेरी मानो तो आप स्ट्रेस लो ही ना, बिल्कुल रिलैक्स रहें, क्योंकि अगर माँ खुश रहेगी तभी बच्चा अच्छे से डेवलप कर पाएगा। इधर प्रेजेंट हानी परेशान होती है यूयून को लेकर भी और न्यू हायर्ड एम्प्लॉयज को निकालने वाली बात से भी। तभी ऑफिस की निब्बी वहाँ दौड़ती हुई आती है और सभी को खबर देती है कि पुनर्गठन कैंसिल कर दिया गया है। ये लोग बता रहे थे कि सभी बोर्ड मेंबर्स पुनर्गठन को अप्रूव करने ही वाले थे, पर तभी मिस्टर चेयरमैन का बेटा मिस्टर चेयरमैन को लेकर वहां आया और पुनर्गठन कैंसिल करवा दिया। सभी लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी यूयून मिस्टर चेयरमैन के साथ वहां से गुजरता है। ये जानने के बाद कि यूयून ही मिस्टर चेयरमैन का बेटा है, सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हानि तो शॉक्ड इनटू 100। सभी लोग हैरानी में ही यूयून को देखने के लिए डिपार्टमेंट ऑफिस के दरवाजे पर आकर उन्हें ग्रीट करते हैं। यूयून उन लोगों को देखे बिना ही मिस्टर चेयरमैन के साथ वहां से गुजर जाता है। उस दौरान हानि यूयून की उसी बात को याद करती है, अगर कभी भी मैं तुम्हारे सामने वो बनकर आया जिसे तुम नहीं जानती तो प्लीज शॉक मत होना, क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हें धोखा देना नहीं चाहा है। उसके बाद यूयून का सामना डोयून से होता है। वो उसे गुस्से से घूरने लगता है। डोयून अपना सिर झुकाकर वहां से जाने लगता है। यूयून बोलता है, थैंक्स, इतने दिनों से मैं एक नासमझ बना हुआ था, लेकिन तुमने और बुआ जी ने मिलकर मुझे असली दुनिया के बारे में सिखा दिया। डोयून भी उसी रूडनेस के साथ उसका जवाब देता है, मुझे खुशी हुई कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया। फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उसी समय जीएम दूसरी तरफ से वहां आ रही होती है। डोयून को सामने से आता देख वो उसे अपने चेकअप की बात बताने की कोशिश करती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता ये बोलकर कि वो बिजी है और वहां से चला जाता है। प्रेजेंट हानि भी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके बाद दोनों कॉफी पीते पीते बातें करते हैं। हानि बताती है कि उसे अभी अभी पता चला है कि यूयून मिस्टर चेयरमैन का बेटा है। जीएम बोलती है, तुम यूयून को कैसे जानती हो? तुम दोनों ने साथ में कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट भी किया था, दोनों एक दूसरे के साथ काफी फ्रेंडली भी हो, इस हिसाब से तुम दोनों सिर्फ ऑफिस कलीग्स तो नहीं लगते। हानि बोलती है, वो एक ऐसा बंदा है जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ऐसा जिस पर मैं कभी भी आश्रित हो सकती थी, पर अब पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो असल में कौन था। फिर वो पूछती है कि कंपनी में चल क्या रहा है। जीएम बोलती है, मैं तुम्हें बताना तो चाहती हूँ पर मैं बता नहीं सकती क्योंकि ये फैमिली मैटर है, पर यार मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत बुरा लगता है मुझे ये सब देखकर, ये सब क्यों हो रहा है। फिर हानि उसे समझाती है। उसके बाद शाम को काम के बाद दोनों जीएम का स्ट्रेस दूर करने के लिए कैरियोके जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे बचपन में जब कभी भी दोनों परेशान होते थे तो अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए वहां जाया करते थे और खूब नाचते और गाते थे। फिर बचपन की ही तरह दोनों एक बार फिर से ट्विस्टेड ब्रेड स्टिक्स खाने जाते हैं। उसके बाद रात को जब हानि घर लौट रही होती है तभी पीछे से यूयून की आवाज आती है, ओल्ड लेडी। हानि झट से पीछे मुड़ती है पर वहां पर कोई नहीं होता और वो इमोशनल हो जाती है। ये देखकर हम समझ सकते हैं कि हानि अपने भोलू राम को कितना मिस कर रही है। घर आकर प्रेजेंट हानि पास्ट हानि को कॉल करती है। पास्ट हानि से बातें कर रही होती है और इधर अपना चेसियांग वो जनाब फिर से पास्ट हानि की सेवा में लगा पड़ा है। ये मादा लाडला कभी नहीं सुधरने वाला। दोनों हानि की बातें खत्म हो जाती है और दोनों फोन कट कर देती है। तभी हायों के आने की आवाज आती है। फिर क्या था, बागा। इधर प्रेजेंट हानि अपने भोलू राम को लेकर परेशान है। वो उन्हीं मैसेजेस को देख रही है जिसका यूयून ने अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। हानि अंदर से ही पूछती है, कौन है? बाहर से अपने भोलू राम की आवाज आती है, ये मैं हूँ। हानि झट से दरवाजा खोलती है। उसके बाद कॉफी पीते पीते दोनों बातें करते हैं। हानि यूयून पर गुस्साने लगती है, तुम पागल हो,
पता है मैं कितनी परेशान थी, तुमने मुझे एक सप्ताह से कोई कांटेक्ट नहीं किया और आज सुबह तुमने मुझे इग्नोर भी कर दिया। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये सब मजाक लग रहा है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? यूजन उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दो, इन दिनों बहुत सी चीजें हुई, वो सब हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, इसीलिए मुझे खुद को संभालने के लिए समय चाहिए था। हानी पूछती है क्या हुआ था। यूजन बोलता है, मैंने जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उन लोगों ने मुझे धोखा दिया और मुझे उस इंसान की चोट को परखने में समय लग गया जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा उदास हो गया और तब मुझे तुम्हारा ख्याल आया। इवन जब भी मैं उदास होता हूँ ना तो हर बार मुझे तुम्हारा ही ख्याल आता है। हानी बोलती है, तो फिर तुमने मुझसे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया? कम से कम एक टेक्स्ट ही कर देते। अपना भोलू राम बोलता है, अगर मैं ऐसा करता तो मैं तुम्हारे पास दौड़ा चला आता। इतना बोलते ही बंदा शर्माने लगता है, आए हाय चवन्नी मुस्कान तो देखो। फिर बोलता है, मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं चलता हूँ। फिर पास्ट हानी के बारे में पूछता है। हानी उसे बताती है कि वो हायुंग के घर में है। फिर दूसरे दिन डोयन अपने काम पर जा रहा होता है, तभी जीएम फिर से उससे बात करने की कोशिश करती है। डोयन फिर से काम में बिजी हूँ वाली बकैती करने लगता है। जीएम बोलती है, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, मैं देख सकती हूँ कि इन दिनों हमारे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इवन हमारे पूरे परिवार के बीच का माहौल भी ठीक नहीं चल रहा है। मुझे तो बस इस बात का डर है कि कुछ बुरा ना हो जाए, एक तुम ही तो हो जिस पर मैं निर्भर हो सकती हूँ, लेकिन इन दिनों तुम भी बदले बदले लगते हो। उधर अपना भोलू राम मिस्टर चेयरमैन के साथ फार्म हाउस के गार्डन में बैठकर बातें कर रहा होता है। मिस्टर चेयरमैन बोलते हैं, आज अंधे होने के बाद मुझे वो सब चीजें दिख रही हैं जो खुली आंखों से मैं कभी नोटिस भी नहीं कर पाया। अब समझ में आ गया कि मैं कितना बेवकूफ और बेकार था। यूजन बोलता है, एक बार किसी और ने भी मुझसे बिल्कुल ऐसा ही कहा था। मैंने सोचा था कि बड़ी होकर मैं एक अमेजिंग पर्सन बनूंगी, पर अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं अभी भी बेवकूफ और झल्ली हूँ, मैं किसी काम की नहीं। मिस्टर चेयरमैन बोलते हैं, जो इंसान खुद के अंदर झांकना जानता है वो कभी भी बेवकूफ और बेकार नहीं हो सकता। आई एम श्योर कि वो इंसान बहुत बुद्धिमान होगा। यूजन बोलता है, देखा आपने अभी खुद बोला, इसका मतलब आप भी बेवकूफ और बेकार नहीं हो। जितने भी बुड्ढों को मैं जानता हूँ आप उन सब में से सबसे बेस्ट हो, आप अमेजिंग हो। दोनों बातें ही कर रहे होते कि तभी मिस्टर किम वहाँ आकर बताते हैं कि मिस हान यानी कि वो कपटी बुआ जी मिस्टर चेयरमैन के डिसमिसल के लिए स्टॉक होल्डर्स की मीटिंग बुलवाने वाली है। अब वो कपटी बुआ अपना फाइनल गेम शुरू कर चुकी है, वो स्टॉक होल्डर्स की मदद से मिस्टर चेयरमैन को उनके सीईओ की पोजीशन से हटवाना चाहती है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जुआ कंपनी की बदनामी की वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस घटता ही जा रहा है और बहुत से ग्रुप ने उन्हें सस्ते में खरीद लिया जो ऑब्वियसली उस कपटी बुआ के ही लोग थे। तो अब उन्हीं की मदद से ये कपटी बुआ मिस्टर चेयरमैन से ज्यादा शेयर गेन करके उन्हें सीईओ के पोजीशन से हटाने के चक्कर में है। मिस्टर किम यूजन को बताते हैं कि अगर उन स्टॉक होल्डर्स ने हमारे चेयरमैन के डिसमिसल के फेवर में वोट किया तो मिस्टर चेयरमैन को मजबूरन अपना पोजीशन छोड़ना पड़ेगा। यूजन बोलता है, तो अब इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? मिस्टर किम बोलते हैं, इसका बस अब एक ही रास्ता है, अगर स्टॉक होल्डर्स इस डिसमिसल के विरुद्ध में वोट करें तो ही ये रोका जा सकता है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि बुआ जी और उनके सपोर्टर्स यानी कि जिन्होंने हाल ही में सस्ते में स्टॉक्स खरीदा था उन सभी का शेयर मिला करके बहुत बढ़ गया है। अगर मिस्टर चेयरमैन के शेयर्स और हमारे बाकी बचे शेयर होल्डर्स के शेयर्स भी मिला दिए जाए तब भी बुआ जी के साइड का 6% शेयर्स ज्यादा होता है, इसीलिए मेजॉरिटी वोट तो बुआ जी के ही फेवर में जाएंगे और मजबूरन मिस्टर चेयरमैन को डिसमिस होना पड़ेगा। शेट्टी यार, व्हाट टू डू नाउ? हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। प्रेजेंट हानी हायोंग के घर आई हुई होती है और सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी इतने सालों के बाद पहली बार दादी प्रेजेंट हानी को खाना सर्व करती है। ये देखकर प्रेजेंट हानी खुश होने ही वाली थी कि अगले ही पल पता चलता है कि दादी माँ प्रेजेंट हानी को एक गेस्ट समझ रही है। उसके बाद दादी माँ पास्ट हानी को लाड करने लगती है जो प्रेजेंट हानी देख रही होती है। तभी चेसियांग वू पास्ट हानी को सर्व करने लगता है। उसके बाद हायोंग उसे बात करने के लिए उसके रूम लेकर आती है। चेसियांग वू बताता है कि उसे पास्ट हानी से प्यार हो गया है। तुम पे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, उन्हें काट।
इधर ये दोनों टेबल के बर्तन साफ कर रहे होते हैं कि तभी पास ठानी उनके पास आकर बोलती है कि पापा दादी को देखने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वो इतने बिजी हैं? आप तो मुझे उन्हें कॉल भी नहीं करने देती हो। मॉम और प्रेजेंट हानी उल्टे सीधे बहाने बनाकर पास ठानी को अंदर भेज देते हैं। उसके बाद मॉम इमोशनल हो जाती है। वो बोलती है, मुझे तुम्हारे पापा से मिलने के लिए जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। जिस दिन हायुंग घर पर रहेगी उस दिन मैं चली जाऊंगी। ये सब पास ठानी भी छुप छुप के सुन रही थी। पापा से मिलने वाली बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। दूसरे दिन बुआ जी अपने सपोर्टर्स को लेकर कंपनी पहुंच जाती है और डिपार्टमेंट के सभी लोग मिस्टर चेयरमैन के डिसमिसल वाली बात से उदास होते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि अगर मिस्टर चेयरमैन डिसमिस हो गए तो उन सभी की जॉब जा सकती है, क्योंकि बुआ जी के सपोर्टर्स जो अभी अभी बुआ जी के साथ आए हैं वो कॉर्पोरेट ट्रेडर्स होने के लिए फेमस है। यानी कि वैसे लोग जो पहले तो कुछ एम्प्लॉयज को निकाल देते हैं ये एक्सक्यूज देकर कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कंपनी को उन पर पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस ये विश्वास दिलाने के लिए कि उनके हाथों में कंपनी फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल है। और एक बार सारी चीजें उनके पकड़ में आ गई तो अपने फायदे के लिए वो लोग कंपनी को ही बेच देते हैं। अब जब कंपनी ही बिक जाएगी तो जाहिर है कि सभी लोग के जॉब भी चले जाएंगे। ये सब सुनकर प्रेजेंट हानी सीधा बाहर आकर यूयून को कॉल करके बोलती है कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है उसे रोकने में क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। यूयून भी लाइक, वो तुम तो सच में सुपरमैन हो, तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं क्या? तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है? हानी बोलती है, बस यूं ही लगा मुझे। यूयून बोलता है, तुम्हारे पास सच में सुपर पावर्स हैं। फिर वो उसे नीचे कैफेटेरिया में बुलाता है। अंदर सभी लोग कंपनी को बचाने के लिए कुछ एक्शन लेने का सोच रहे हैं, पर साथ ही इस बात से परेशान है कि जीएम तो बुआ जी की बहू है और साथ ही उनकी हेड भी। तो अगर जीएम ने अपने पोजीशन का फायदा उठाकर इन सब पर एक्शन ले लिया तो फिर ये लोग ना ही इधर के रह पाएंगे और ना ही उधर के। इनकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाएगी, ना घर के ना घाट के, कुत्तों की जिंदगी। तभी जीएम वहाँ आती है और सबको बोलती है कि आप लोग कंपनी को बचाने के लिए जो करना चाहते हैं वो कीजिए, क्योंकि यही सही है। मैं आप लोगों की मदद तो नहीं कर पाऊंगी पर आपके ओपिनियंस को जरूर सपोर्ट करूंगी। नीचे कैफेटेरिया में यूयून सभी कुकिंग और क्लीनिंग स्टाफ को इकट्ठा करता है। तभी खबरी, वैसे मैं बता दूं कि अब ये बुआ जी का खबरी नहीं है, ये यूयून के साइड आ गया है। हाँ, तो वो बाकी शेयर होल्डर्स जो बुआ जी के सपोर्टर्स नहीं है उन सभी के सारे डिटेल्स लेकर आता है, ताकि सभी लोग मिलकर उन सारे शेयर होल्डर्स या स्टॉक होल्डर्स जो भी कह लो उनको मिस्टर चेयरमैन के फेवर में वोट करने के लिए कन्विंस कर सके। वेल आई नो कि इससे ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है कि बुआ जी के पास ज्यादा वोट्स होंगे, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और क्या पता सच में कोई फर्क पड़ जाए। एनीवे, तभी पास ठानी अपने सभी कोवर्कर्स को लेकर वहाँ पहुँचती है और अब ये सब लोग मिलकर कंपनी को बचाएंगे। एंड नाउ इनका कन्विंसिंग मिशन चालू। सभी लोग अपने अपने तरीके से स्टॉक होल्डर्स को कन्विंस करके उनके स्टॉक्स ट्रांसफर करवा लेते हैं, जिससे अब उन सबका वोट मिस्टर चेयरमैन के फेवर में आ चुका है। ये उधर ये खबर सुनकर बुआ जी आग बबूला। डोयन बोलता है, अब परेशान मत हो, मैं हमारे सारे स्टॉक होल्डर से मिलकर ये पक्का करूंगा कि उनके वोट चाचा के फेवर में ना जाए। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने पासा पलट दिया तब आप क्या करोगी? बुआ बोलती है, ऐसा कभी नहीं होगा, उन बाकी बचे स्टॉक होल्डर्स के पिद्दी से शेयर्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इधर कंपनी के बाहर आकर अपना भोलूराम इमोशनल हो रहा होता है। तभी हानी भी वहाँ आती है। अरे क्या हुआ कचरा, तुम सब लोग कितना अच्छा है, हमको तो इमोशनल कर दिया। तुम सब लोग मेरा साथ दे रहा है, हम तुम लोग का एहसान का बदला कैसे चुकाएगा? अरे तुम टेंशन कहाँ ले रहा है, हम लोग भी तुम्हारे लिए थोड़े किए हैं, हम लोग को भी अपना नौकरी और कंपनी प्यारा है। अच्छा अब अपने भोलूराम को फाइनली ये बात समझ में आ गई कि उनके डैड यानी कि मिस्टर चेयरमैन इस कंपनी से इतना प्यार क्यों करते हैं, और उसका दिल भर आता है। प्रेजेंट हानी उसे अच्छा फील कराने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है। आए आए फिर से इसकी चवन्नी मुस्कान तो देखो। दूसरी तरफ हमारा मस्सा मैन आज बहुत खुश है, क्योंकि आज इसके नए ड्रामे के शूटिंग का पहला दिन है। और बताए क्या, मस्सा मैन को उसकी पॉपुलैरिटी फिर से मिल गई है, वो फिर से टॉप पर पहुंच गया है। जब से इसे ड्रामे के लिए कास्ट किया गया है तभी से ही सुर्खियों में सिर्फ यही फैला हुआ है, हर जगह इसी की चर्चा चल रही है। अब अपना मस्सा मैन फिर से आसमान तक पहुँच गया है। लेकिन तभी उसका पास्ट उसके लिए ग्रहण बनकर उसे नीचे गिराने के लिए आ जाता है। आपको वो इंटरव्यूअर याद है? इंटरव्यू के बाद जब मस्सा मैन का माइक उस पर से हटाया जा रहा था तभी इंटरव्यूअर की नजर मस्सा मैन के मस्सा पर पड़ती है, जो देखकर वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। वेल ये इंटरव्यूअर मस्सा मैन के ही हाई स्कूल में पढ़ता था,
और उन दिनों कई बार मसा मैन की बुलिंग का शिकार भी हुआ था। और आज यही इंटरव्यूअर सभी रिपोर्टर्स को अपने साथ लेकर आया है पास के एंथनी यानी कि यांग चुनशिक की सच्चाई बताने के लिए। और तो और उसने मसा मैन के प्लास्टिक सर्जन से मिलकर उसकी सर्जरी का सबूत भी इकट्ठा कर लिया है। सच्चाई का खुलासा होने के बाद वहाँ पर हड़कंप मच जाता है। एंथनी तो शॉक से ब्लैंक हो जाता है। जुंगमैन और क्यूंगशिक जल्दी से उसे सभी रिपोर्टर से बचाते हुए कार में बैठाते हैं और वहाँ से लेकर जाते हैं। न्यूज की मदद से इस सनसनीखेज खुलासे की खबर पास्ट हानि तक पहुँच जाती है। आग की तरह फैलती हुई ये खबर प्रेजेंट हानि के ऑफिस तक भी पहुँच जाती है और तब जाकर जीएम को पता चलता है कि पास्ट का चुनशिक ही प्रेजेंट का एंथनी है। उसके बाद प्रेजेंट हानि मसा मैन को बहुत कॉल्स करती है पर वो एक भी कॉल रिसीव नहीं करता। फिर जीएम और प्रेजेंट हानि आपस में अपने पास्ट और प्रेजेंट की गहरी गहरी बातें करने लगते हैं। तभी पास्ट हानि का कॉल आता है, वो भी मसा मैन के ही बारे में बोलती है। प्रेजेंट हानि बोलती है मैं भी उसे कॉल्स कर रही हूँ पर वो उठा ही नहीं रहा। पास्ट हानि मसा मैन से मिलने की जिद करती है। प्रेजेंट हानि उसे मना कर देती है और बोलती है तुम घर से कहीं नहीं निकलोगी और फिर से मसा मैन को कॉल करने लगती है लेकिन इस बार भी कोई रिस्पांस नहीं आता। उधर मसा मैन के एजेंसी में भी काफी भसड़ मची हुई है। सभी के कॉल्स पर कॉल्स आ रहे हैं और अपना मसा मैन डिप्रेस बैठा हुआ है। वो उठकर घर चला जाता है। और इधर पास्ट हानि पूरी परेशान, वो फाइनली डिसाइड करती है कि वो मसा मैन से मिलने के लिए जाएगी। जब उसका दोस्त मुश्किल में है तो वो हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठ सकती है। इधर अपना मसा मैन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डूबा हुआ है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मसा मैन अभी किसी से भी मिलना नहीं चाहता था इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलता, पर अपनी हानि तो हानि है, उसे जो करना है वो करना है, तो इसीलिए वो दरवाजा खटखटाकर उसे इतना ज्यादा इरिटेट करती है कि आखिर में हार कर उसे दरवाजा खोलना ही पड़ता है। अपनी पास्ट हानि के सामने किसी की नहीं चलती। पास्ट हानि उसे समझाती है, ये सच है कि तुमने बचपन में बहुत से बच्चों को बुली किया है, उन्हें मारा, उनके पैसे छीने, इवन जीएम जैसे बेचारे बच्चों को भी तुमने बहुत परेशान किया है, लेकिन अभी सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी चाहिए वो है सभी से माफी मांगना, ना कि इस तरह से सबसे छुपकर बैठे रहना। उसके बाद वो जुंगमैन और क्यूंगशिक दोनों के साथ घर चली जाती है। जी हाँ, ये इन दोनों के साथ ही यहाँ आई थी। अरे अब इसे मसा मैन का एड्रेस थोड़ी पता था, वो तो हमेशा या तो उसे उसके एजेंसी में मिलती थी या फिर उसे ही बुला लेती थी कॉल करके। एनीवे, दूसरे दिन प्रेजेंट हानि अपने काम पर आ रही होती है तो गेट पर ही उसकी मुलाकात सामने से आ रहे भोलू राम और मिस्टर चेयरमैन से होती है। जी हाँ, शेयर होल्डर्स की मीटिंग आज ही है, आज ही फैसला होगा। इधर सभी लोग परेशान होते हैं कि मीटिंग का रिजल्ट क्या निकलेगा, हमारे चेयरमैन जीत पाएंगे या नहीं। तब तक प्रेजेंट हानि भी उनके टेंशन को ज्वाइन करती है। उसके बाद सभी लोग खुद को मोटिवेट करके चीयर अप करते हैं। इधर हायोंग चेस्यांग वू को उसकी छुट्टियां खत्म होने से पहले ही जबरदस्ती अपने डैड के पास यूएस भेज रही होती है। बेचारा चेस्यांग वू तो जाना भी नहीं चाहता। कितने लकी हो तुम, तुम्हें प्लेन में चढ़ने का मौका मिल रहा है। उसके बाद वो मुंह लटकाकर पैकिंग करने के लिए अंदर चला जाता है। मॉम हायोंग को बोलती है कि मैं तुम्हारे डैड से मिलने के लिए जा रही हूँ, हानि और दादी का ख्याल रखना। फिर पास्ट हानि को बोलती है कि मैं काम से बाहर जा रही हूँ और फिर चली जाती है। पर पास्ट हानि ने तो सब कुछ सुन लिया था, इसीलिए हायोंग के अंदर जाते ही वो चुपके चुपके वहाँ से निकल जाती है। नीचे मॉम का कॉल आता है और वो बातों में बिजी हो जाती है। और तब तक पास्ट हानि कार की पिछली वाली सीट में छुपकर बैठ जाती है। उधर कंपनी में जीएम घबराते हुए डोयन के पास आती है और बोलती है कि प्लीज ये सब रोक दो। डोयन बोलता है अब ये सब रोकने से भी कुछ नहीं बदलेगा, मुझे मॉम और तुम्हारी दोनों की रक्षा करनी है। जीएम इमोशनल होकर बोलती है ये सब करने से तुम मेरी रक्षा नहीं कर रहे, तुम इतना क्यों बदल गए। डोयन बोलता है मैं जानता हूँ कि उस आइडिया चोरी करने वाले केस में तुम भी इन्वॉल्व थी, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे पास उस समय और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और अभी मेरे पास भी और कोई दूसरी चॉइस नहीं है, मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है। और फिर वहाँ से जाने लगता है। जीएम उसे रोकते हुए इमोशनल होकर बोलती है कि मैंने ये नहीं किया, माँ ने मुझसे कहा था कि अपने परिवार के लिए मुझे ये करना ही होगा लेकिन मैं नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे परिवार और हमारे बच्चे के लिए ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं था। डोयन हैरान होकर बोलता है सच में। जीएम हाँ में सिर हिलाती है। ये सुनकर डोयन बहुत खुश हो जाता है और गले लगाकर उसे माफी मांगता है। फिर जीएम बोलती है अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, प्लीज ये सब रोक दो। डोयन बोलता है मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, अब मैं नहीं रुक सकता। जीएम रोते हुए बोलती है इसका अंजाम जो भी होगा तुम्हें उसे बहुत ठेस पहुँचेगी, मैं जानती हूँ कि तुम भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, तो प्लीज रुक जाओ। डोयन बोलता है आज शेयर होल्डर्स की मीटिंग होना जरूरी है, तभी ये सब खत्म हो पाएगा। उसके बाद जीएम के आंसू पोंछ कर वहाँ से चला जाता है। इधर कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग की शुरुआत होती है, वहाँ पर सारे न्यूज रिपोर्टर्स भी आए हुए होते हैं, जहाँ एक तरफ बुआ जी डोयन और मिस्टर चेयरमैन और यूयून अपने कैबिन में बैठ कर रिजल्ट का इंतजार कर रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के सारे स्टाफ एक जगह पे इकट्ठा होकर रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। इधर मॉम डैड से मिलने के लिए मेमोरियल वॉल पहुंचती है।
वो फ्लावर्स लेकर उनके पास जाती है। उसके बाद पास हानी भी चुपके से निकलती है और आसपास का नजारा देखकर बोलती है, हम तो डैड से मिलने के लिए जा रहे थे ना। मॉम ये किस जगह पर आ गई? फिर इधर उधर घूमकर उन्हें ढूंढने लगती है। तभी मेमोरियल वॉल के पास से मॉम की आवाज आती है जो डैड से बातें कर रही थी। ये सुनकर हानी का दिल थम जाता है। वो घबराते हुए कदमों के साथ मॉम की आवाज का पीछा करती है जो सामने एक तस्वीर से बात कर रही थी। उन्हें देखकर वो शॉक से बोलती है, माँ। हानी को वहाँ देखकर मॉम की हालत खराब। वो हानी को वहाँ से लेकर जाने लगती है, लेकिन हानी अपना हाथ छुड़ाकर उधर जाकर डैड को देख लेती है।